नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माय चैनल आज का ट्यूटोरियल बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसके ऊपर हम भी कुछ स्टडी किया है जैसे कि आज हम लोग देखेंगे स्लाइस uh, कैसे करेंगे ऑटो ऑटोट्यून का स्लाइस जो चैप्टर है जो हमारा चैनल में बहुत सारा ऐड आता है हमारा चैनल में ऑनली नहीं है बहुत सारा चैनल में उस टाइप का ऐड आते हैं आज आ, आते जाते हैं ऑटो ट्यून स्लाइस ये क्या है बेसिकली ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं मतलब ऑटो ट्यून स्लाइस को ले हम लोग क्या करेंगे तो पहले हम बोल दे रहे बो बोलने के लिए जा रहे हैं ट्यून स्लाइस एक्चुअली एक वी इफेक्ट है नॉट uh, ये एक ऑडियो इफेक्ट है जैसे कि हम लोग ऑडियो के अंदर अगर ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं ऑटो ट्यून स्लाइस बोल के तो ये लेना पड़ेगा वी एस टी से जैसे कि हम लोग अगर क्लिक करेंगे राइट क्लिक करेंगे एड वी एस टी इंस्टूमेंट करेंगे तब आप लोगों को मिलेगा ऑडोटून स्लाइस तो ठीक है तो हम एक ले के ले लिए हैं और एक ऊपर में एक रिदिम बज रहा है एक बिट बज रहा है तो ये ये इसमें होता क्या है बेसिकली इसमें होता क्या है तो हम लोग देखेंगे जैसे कि ये है प्लेटफॉर्म ऑडोटून स्लाइस का इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिया हुआ है जैसे कि एक ब्राउज़र है Uh, एक एडिट ऑप्शनस है इधर इद, बहुत सारा प्रीसेट्स दिया हुआ है बहुत सारा मतलब कुछ भी आप लोग लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं इसमें सिंक कर सकते हैं जैसे कि जो टेम्पो में 84 फोर में जो बज रहा है तो 84 में ही वो बजेगा अभी 120 ट्वेंटी में नहीं बजेगा सिंक का सिंक का मतलब अगर सिंक नहीं करेगा तो वो बजेगा 120 में अगर सिंक कर देगा तो वो 84 में बजेगा ठीक है इसका इफेक्ट्स का एक अलग प्लेटफॉर्म है ये रेडो अंडू का ऑप्शनस है और इसके बाद ये इधर जो ऑडियो दिखा रहा है इसको हम लोग स्लाइस कर सकते हैं अलग अलग करके रीड में आ, ले सकता है मतलब कोई भी वॉइस हम लोग अलग से भी बाहर से भी कोई साउंड डाल सकते हैं जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप इधर हम लोग कर सकते हैं कोई भी साउंड को इधर ड्रॉप कर सकता है जैसे कि ड्रॉप करके अगर हम लोग इसको इधर इसके अंदर डालेंगे तो इधर चला आएगा इसको अगर हम लोग क्लोज़ कर देंगे तो क्लोज़ हो जाएगा तो जैसे कि इसमें बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है और नीचे का पोर्शन में हम बोल रहे हैं जैसे कि प्लेबैक का कंट्रोल मतलब हम लोगों का कीबोर्ड में असाइन हो जाएगा एक एक कीबोर्ड में एक 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 नोट्स असाइन नोट्स हम नहीं बोलेंगे बेसिकली कोई भी गाना का पार्ट भी असाइन हो सकता है कोई भी म्यूजिक का पार्ट असाइन हो सकता है कुछ भी कुछ भी रैप असाइन हो सकता है कुछ भी अलग करके आप लोग कोई ऑडियो ड्रैगन ड्रॉप करोगे तो कुछ इफेक्ट्स भी ऐड एड हो सकते हैं कुछ भी रीड में एड कर सकते हो उसका साथ प्लेबैक कंट्रोल मोड है जैसे कि आप लोग प्लेबैक कितना फास्ट करना चाहते हो वेलोसिटी कितना होना चाह मतलब कितना कर सकते हो उसके बाद इसका वॉइज कितना रहेगा वॉइस का मतलब जो है चार का मतलब है एक साथ चार नोट आप लोग अप्लाई कर सकते हो अप टू एट नोट तक आप, आप लोग अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर उसके बाद इसको अगर सिंक करेंगे तो क्या होगा इसका जो एम्पलीच्यूड है जैसे कि अटैक डी के जो अटैक वन बाई थर्टी टू इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि दे सकता है नहीं तो इसको घुमा के हम लोग कर सकते हैं अटैक कितना क्वांटलाइजेशन में अटैक होगा तो वो भी हम लोग कर सकते हैं डी के दे सकते हैं सस्टेन कर सकते हैं रिलीज भी कर सकते हैं पिच इनभिलअप भी कर सकते हैं बहुत कुछ दिया हुआ है मतलब इनभिलअप पिच हम लोग कर सकते हैं और लगता है ये सब इस सब अलग अलग करके लग, लगता है हम दिखाएँगे एक्चुअली क्या है पहले इसके साथ हम लोगों का जान पहचान करना पड़ेगा उसके बाद इसके अंदर में घुसेंगे तो ठीक है चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका एम्पलीट्यूड एम्प इनवेलप एम्प इन्वेलप के अंदर अटैक डी के रिलीज सस्टेन ऐसा सब पड़ता है और पिच का इन्वेल्प अगर हम लोग जाएंगे तो पिच के अंदर पड़ता है क्या इसके अंदर भी सस्टेन रिलीज डेप्थ भी पड़ता है डी के भी पड़ता है ये नॉर्मली मीडी नोट का एक इफेक्ट होता है मीडी नोट का हिसाब से ये इफेक्ट करता है डिजिटल इफेक्ट आप लोग बोल सकते हो उसके बाद हम लोग अगर नीचे में आएंगे ऑटो ट्यून प्लेटफॉर्म भी इधर हम लोग दे सकते हैं जैसे कि स्केल कौन सा है उसके बाद क्रोमाटिक है ना मेजर है ना माइनर है उसके बाद टेनर है ना लो है ना इंस्ट्रूमेंट है ना सुप्रानो है सुप्रानो मतलब हम लोग जानते हैं जितना सारा लेडीज़ वोकल होता है सब सुप्रानो वॉयस होता है मैक्सिमम होता है सुप्रानो वॉयस का और ऑल्टो टेनर जो वॉयस होता है वो मेल वोकल के लिए होता है और लो मेल और एक अलग होता है इंस्ट्रूमेंट होता है और बास होता है बेस होता है तो ये होगी ऑटोट्यून का प्लेटफॉर्म उसमें हम लोग रिट्यून स्पीड का कंट्रोल कर सकते हैं जीरो से वन आ, एकदम वन ट्वेंट फोर हंड्रेड तक वन ट्वेंटी सेवन हम बोल रहा बोल बोलने के लिए जा रहा था एक्चुअली मीडी का वैल्यू ऐसे ही होता है जीरो टू वन ट्वेंटी सेवन होता है तो उसके हिसाब से हम बो, बोलने के लिए जा रहा था तो बेसिकली ये ज़ीरो में हम लोग अगर रिट्यून स्पीड को कर देंगे क्या होगा जो पिछला ट्यूटोरियल हम आज का जो ट्यूटोरियल दिया है मतलब ट्वेंटी फिफ्थ का जो ट्यूटोरियल हमने दिया है अभी तो ट्वेंटी सिक्स चल रहा है ट्वेंटी फिफ्थ का ट्यूटोरियल हम ऑलरेडी बोल चुका है रिट्यून स्पीड को कैसे कंट्रोल करें और ह्यूमन एज को ह्यूमन का मतलब होता है ऐसा ही रिट्यून स्पीड को अगर रोबोटिक ना लगे इसके लिए ह्यूमन एस को बढ़ाना पड़ता है जैसे कि आप लोग कुछ एक काम किया है डिट्यून स्पीड को थोड़ा जीरो कर दिया है ठीक है उसके बाद उसका जो साउंड निकल रहा है वो कितना ह्यूमनाइज निकल रहा है मतलब लग रहा है कि हाँ आदमी ने लोगों ने गाया है ऐसे टाइप का कितना निकल रहा तो है तो डिपेंड कर रहा है ह्यूमनाइज़ का ऊपर उसके बाद ट्रांसफोर्स ऑप्शन दिया गया है उसके बाद फॉर्मेट दिया गया है उसके बाद देखिए डिट्यून दिया है मैक्सिमम मिनिमम ऑप्शंस दे दिया गया दि, है दि, दि, उसके बाद ये बहुत सारा बहुत कुछ दे दे दिया गया है जैसे कि इसके अंदर आप लोग देखोगे कंप्रेशर है रिवव है आ, उसके बाद फिल्टर है डीले है उसके बाद डबलर भी है तो एक एक करके हम सुनाना के लिए जाते हैं जैसे कि इसके अंदर कोई भी टेम्पलेट अगर आप लोग सिलेक्ट करोगे कोई भी टेम्पलेट अगर सिलेक्ट करोगे कुछ भी जैसे कि एक बज रहा है जैसे इसमें ये जो पर्टिकुलरली ये जो साउंड ऑलरेडी है सी वन में हम लोग सिलेक्ट सिलेक्ट करके रखा है तो सी वन में अभी नहीं बज रहा है अगर हम इसको इनेबल करेंगे इसको इनेबल कर दिया था अभी इसको सी वन में अगर करेंगे तो सी वन में रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड हो जाएगा जैसे कि ये जब चलेगा ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो नॉर्मली इसको जब स्लाइस कर देंगे तो स्लाइस करके सॉरी रीस्लाइस जब करेंगे तो ये देखिए आ गया तो कैसे करते हैं हम थोड़ा एक बार दिखाना चाहते हैं जैसे कि मान लीजिए कुछ भी टेम्पलेट हम लोग ले ले रहे हैं इधर से कुछ भी टेम्पलेट जो जो हम लोगों का मर्जी ले लिया है प्रोसेसिंग ऑडियो बोल रहा है ठीक है अभी ऑडियो प्रोसेस कर लिया अभी देखिए इसमें सब नोट अलग 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 करके बैठ गया है अगर नहीं आ रहा है मतलब अब प्रोसेसिंग ऑडियो करने के बाद अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को एक जगह पर क्लिक करना पड़ेगा इसके इसके अंदर ये क्लिक करने के बाद इसके अंदर री का ऑप्शन आएगा और आप लोग इधर से स्टैंडर्ड भी कर सकते हो जैसे कि स्लाइस आप लोग करना चाहते हो अगर कितना क्वान्टज में करना चाहते हो बहुत ही बड़ा बात है अगर वन बाई सिक्सटीन में हम लोग करना चाहते हैं तो वन बाई सिक्सटीन का जैसे स्लाइसिंग हो जाएगा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग बढ़ाएंगे हम लोग रीसाइसिंग री, री करेंगे तो इधर जो हो गया नॉर्मली ये वन बाई सिक्सटीन का अंदर नहीं पड़ रहा है इसीलिए थोड़ा सा दू, दूसरा जगह पर चला जा रहा है दूसरा दूसरा ले ले रहा है अभी प्रोसेसिंग ऑडियो हो रहा है तो ये अगर आ, अगर हम लोग स्लाइसिंग करेंगे तो और ऑटोमेटिकली स्लाइसिंग हो गया है तो अभी क्या है ये नोट इसके अंदर सेटिंग होकर बैठ गया ठीक है तो कुछ भी हम लोग ले सकते हैं जैसे कि थोड़ा सा बड़ा वाला दूसरा कुछ ले लेता है जैसे कि थोड़ा अच्छा लगे चलेगा तो आप लोग इसका साथ बजा सकते देखिए रिकॉर्ड करो कोई दिक्कत नहीं है अभी इसको चलते चलते हम लोग कुछ चेंज करेंगे मतलब इसका अंदर मतलब बहुत ही मजादार मजादार एक चीज है हम देख रहा था say <laughs> i let you go tell they'll say i let they'll they'll'll they'll say <laughs> i let you go they'll tell you as they'll say i let you go tell they'll say i let they'll they'll' they'll say i let you go they'll tell you we tell yeah, it's for They'll say I let you go. They'll say I let. They'll 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 say I let you go. They'll tell you. As They'll say I let you go. They'll say I let. They'll 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 say I let you go. They'll tell. You. They'll, say I let you go. they'll tell. You. बहुत ही अच्छा बहुत ही मजादार चीज़ है बहुत ही मजादार चीज है मतलब आप लोग अगर करोगे तो इसमें क्या है नया टाइप का इफेक्ट बन जाएगा देखिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वन टू थ्री फोर पहले बार चलने दीजिए You know. किस में किया है लोगों को अंदाजी नहीं लगा पाएगा मतलब किस में किया है ये ये वाला चीज हुआ कैसे ये अंदाजी नहीं लगा पाएगा तो दूसरा ले लेता है दूसरा कुछ भी एक ले लेता है देखता है क्या है इसके अंदर मतलब इसमें एडिट में जाते हैं ठीक है इसको इसको थोड़ा सा आ, जैसे कि नया वाला कुछ ले लेता है तो ये भी एक नया वाला चीज़ आ गया कुछ सुना ही नहीं दे रहा है ठीक है इसको नेक्स्ट करते हैं सिग्नल तो आ रहा है मतलब इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या है इसमें कुछ नहीं आ रहा है इसमें थोड़ा सा दूसरा वाला ले, ले लेते हैं इसको भी प्ले करते हैं अभी अभी प्ले नहीं हो रहा तो इसको देखिए ये नॉर्मली ऊपर का जो सिलेक्शन है इसमें हो रहा है ये हो रहा है मगर नीचे का जो सिलेक्शन है ये नॉर्मली एनी ट्रैक अगर करेंगे तो तो क्या है तो फिर भी नहीं आ रहा क्योंकि इसका साउंड नहीं आ रहा नॉर्मली एक ही ट्रैक में करना पड़ेगा एक ही ट्रैक में करके इसको थोड़ा सा आप लोगों को एक्सपोर्ट कर लेना पड़ेगा फिर दूसरा ट्रैक लेना पड़ेगा ऐसा टाइप का कुछ चीज़ इसमें है और इसमें और एक और एक बात भी है हम थोड़ा सा इसके ऊपर और भी एक ट्यूटोरियल देंगे ऐसा बात नहीं है एक ट्यूटोरियल देने के बाद और नहीं देंगे ऐसा बात नहीं है तो और भी ट्यूटोरियल हम देंगे तो उसका हिसाब से हम जब स्लाइस इसको करेंगे इसको रीस्लाइस जब करेंगे हो गया अभी रीस्लाइस अभी इसमें कुछ नहीं आ रहा है बेसिकली इसको स्लाइस में जाएंगे क्लिक करेंगे और इसमें रिसलाइज करेंगे ठीक है तो अभी आ रहा है बेसिकली क्या है Uh, इसका स्केल भी मैचिंग होना चाहिए जो स्केल में किक बज रहा है वो स्केल में मैचिंग होना चाहिए अभी चलाइए कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा ओरिजिनली स्केल में क्या बज रहा है पहले यह देखना पड़ेगा उसके बाद आप लोग काम करो कोई दिक्कत नहीं है और मिडी मिडी जो जगह है जगह देख देख के करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो क्या होगा चैनल अगर चेंज हो जाएगा चैनल में चेंज होने से दिक्कत हो स हो सकता है मतलब चैनल का बारे में थोड़ा सा इसके डेप्थ हम लोग जाएंगे बाद में क्योंकि इसमें दिखाएंगे इसका इनवेलप का काम भी दिखाएंगे जैसे कि इन्वेलप काम करते करते कैसा होता है इनवेलप का क्वालिटी कैसा होता है सस्टेन अगर देंगे तो इसका क्वालिटी क्या बनता है उसके बाद फॉरवर्ड करेंगे रिवर्स करेंगे लूप रिवर्स करेंगे वन शॉट फॉरवर्ड करेंगे इस टाइप का कुछ ऑप्शन कुछ दिया गया है उसके बाद ऑटोट्यून के बारे में भी देखेंगे क्योंकि जो अभी सैम्पल बज रहा है ये कौन सा स्केल में बज रहा है पहले हम लोगों को की से देखना पड़ेगा कौन सा स्केल में बज रहा है उसके बाद हम लोग इधर से कुछ भी एक लगा सकते हैं जैसे कि ये हम हमने लगाया है इसको अगर क्लिक करोगे तो राइट साइड में आएगा मतलब इस इसमें एडिट कर करने का जगह है अगर फ़िल्टर को करोगे तो फ़िल्टर आएगा कंप्रेसर का करोगे तो कंप्रेसर आएगा डबलर का करोगे तो डबलर आएगा तो इस टाइप का जाते हैं इसको अगर क्लिक करोगे तो नॉर्मली नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप लोग कुछ भी इफेक्ट डाल सकते हो थ्री बैंड क्यू भी कर सकते हो बहुत कुछ ऑप्शन दिया हुआ है इसीलिए इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है शायद ये वीडियो में भी बहुत ज़्यादा आएगा स्लाइस में और इसमें स्लाइस करने के बाद अभी हम लोग जो जाएंगे इसका अंदर जो स्लाइस हो जाने का बाद क्या होता है बेसिकली इसमें जब स्लाइस हो जाता है कोई भी कोई भी नोट स्लाइस कर लेते हैं हम लोग कुछ भी क्वांटाइजेशन uh, का हिसाब से अगर हम लोग कर लेते हैं उसके बाद इसका क्या क्या ऑप्शंस रहता है जैसे कि इसको छोटा छोटा जगह में अगर स्लाइसिंग करेंगे तो क्या हो रहा है छोटा जगह ये छोटा जगह इसको कैसे हम लोग सुनेंगे इसको कैसे देखेंगे एक एक जगह को कैसे जूम करके इसको गेंद को बढ़ाएंगे इसको पीच को ठीक जगह पर ले आएंगे और सॉरी ये पैनिंग है इसको पीच को ठीक जगह पर ले आएंगे, इसका रूट क्या है ये भी हम लोग देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है मतलब स्लाइस एक बड़ा वाला प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म में आप अगर आप लोग काम करोगे जो जो डीजे के लिए काम होता है जो हिप हॉप के लिए काम करते हैं जो नया नया कंपोजिशन के लिए काम करते हैं और ऑलमोस्ट जो भोजपुरी म्यूजिक में भी काम करते हैं इस टाइप का कुछ साउंड्स लगा सकते हो जैसे कि आप लोगों को लगेगा हाँ कुछ चल रहा है मतलब नया टाइप का कुछ आया है नहीं तो एक ही कॉमन टाइप का चीज़ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा कोई अपडेट नहीं होगा तो अपडेट थोड़ा करना पड़ेगा और भी एक चीज़ दिखाएंगे जैसे कि इसका साथ साथ इसका कैसे साइड चेनिंग करता है दूसरा का साथ ये भी हम लोग देखेंगे क्योंकि साइड चेनिंग भी इसमें बहुती एक बहुत ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है तो साइड चेनिंग हम लोग देखेंगे और एडवांस में हम लोग जाएंगे ये जस्ट इंट्रोडक्शन्स ऑफ ऑटोटून स्लाइस ये है ट्यूटोरियल इसके ऊपर थोड़ा सा इनडेप्थ जाएँगे और आज के लिए यही काफ़ी है थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए और कैसे आप लोग थोड़ा सा सर्च करके देखिए स्लाइस कैसे मिलता है और जो वर्शन आप लोग यूज़ कर रहे हो उसमें स्लाइस है कि नहीं है वो थोड़ा एक बार कंफर्म कर लीजिए उसके बाद कोई भी प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग में जो आप लोग कर रहे हो उसमें लगा के देखिए अच्छा लगेगा हम आ, दे हम देखा है बहुत अच्छा होगा और ये रिक्वेस्ट लास्ट में है सभी लोग फास्ट में रिक्वेस्ट करते हैं हम लास्ट में रिक्वेस्ट करते हैं जैसे कि अगर आप लोग ट्यूटोरियल हमारा पसंद करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर द वीडियो लिंक ये तो हम थोड़ा सा आप लोगों का ये तो बोल मतलब बोल ही सकते हैं जैसे थोड़ा देखो बहुत ही मेहनत करके स्टडी करके सब कुछ करके एक वीडियो बना रहा है तो उसके बाद एक तो लाइक तो बनता ही है उसके बाद चैनल को भी अगर सब्सक्राइब करोगे तो ठीक है और और भी बड़ा बात है थैंक यू दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जिसका अगर सीखना चाहता हो जो सीखना चाहते हैं जो नंबर दिखा रहे हैं नंबर पर हमको व्हाट्सअप करना पड़ेगा कॉल मत करो प्लीज़ कॉल हम उठा नहीं पाते तो व्हाट्सअप करो उसके बाद हम बोल देंगे हमारा मतलब ट्रेनिंग का प्रोसीडियर बोल देंगे उसके बाद कितना दिनों का ट्रेनिंग है वो भी बोल देंगे और ट्रेनिंग का मतलब आ, कोर्स मटेरियल क्या होता है मतलब क्या क्या सब्जेक्ट हम लोग कवर अप करेंगे उसके बार, बारे में भी बोलेंगे और अगर किसी का वीडियो मतलब आ, किसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में कुछ गड़बड़ हो रहा है मशीन में ठीक से नहीं चल रहा है ओपन नहीं हो रहा है प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो उसका मशीन हम ले सकते हैं थ्रू टीम व्यूअर नहीं तो एनी डेस्क नहीं तो कोई भी रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर से तो उसमें चार्जेबल तो बनेगा मतलब चार्जेबल हो जाएगा मतलब जब हम उसका मशीन लेंगे तो वो चार्जेबल हो जाएगा थैंक यू दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ हमारा चैनल को वॉच करते रहिए